नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनुजा स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में साइंस का वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल सेट सेकंड लेकर आ गया हूँ। अगर अभी तक मॉडल सेट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वाले भी मॉडल सेट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं प्रोवाइड करवाया हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। पहले अगर अभी तक चैनल पर पहली बार जुटे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी मैं वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी समतल द्वारा दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकृति का होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बनता प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा ऑलवेज हमेशा काल्पनिक होता है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी जो वस्तु होगा वह दर्पण या लेंस होगा, उसमें आवर्धित का मतलब होता है बड़ा या छोटा। तो बड़ा या छोटा कौन सा प्रतिबिंब जो बनता है, कौन सा दर्पण में बनता है? तो ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया समतल दर्पण, और सी में दिया उत्तल दर्पण, और डी में दिया सभी प्रकार के दर्पण। तो इसमें जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो प्रतिबिंब आवर्धित तो बड़ा और छोटा जो बनता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है आवर्धित बनता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वह किस प्रकार की प्रकृति का होता है। ऑप्शन ए में दिया सीधा, बी में दिया उल्टा, और सी में दिया गया तिरछा, और डी में दिया औंधा होता है। तो जो जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा ऑलवेज सीधा प्रतिबिंब बनती है। तो हमेशा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र यानी हमारे आँख की जो लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है, किस भाग से किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया पुतली द्वारा, बी में दिया दृश्य पटल द्वारा, सी में दिया गया पक्षभावी द्वारा, और डी में दिया गया परितारिका द्वारा। तो जो हमारे अभिनेत्र यानी हमारे लेंस का जो फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है वह पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पांच नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो होता है सबसे अधिक रंग का जो झुकाव होता है, ऑप्शन पाँच बैंगनी रंग का सबसे अधिक स्पेक्ट्रम में जो झुकाव रंग होती है वह बैंगनी का सबसे अधिक होता है, और सबसे कम होता है लाल को। तो अब हम चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है स्पेक्ट्रम में प्राप्त के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली के, या अवतल दर्पण के, या उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का? तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमारे प्रिज्म की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सात नंबर क्वेश्चन में। बोला दिया गया है न्यूमेरिकल, यानी इसमें बोला जा रहा है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट विभांतर पर मेन में जोड़ा जाता है। तो बल्ब का प्रवाहित धारा का मान पूछा जा रहा है, इसमें आई का मान पूछा जा रहा है, और इसमें आपको पावर दे दिया गया है, यानी 100 वाट दे दिया गया है, 100 वाट, और विभांतर भी आपको 250 मीटर दे दिया गया है। तो जो आई आपका जो मान जो हो जाएगा आपको 2.4 एम्पियर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चर्चा में बोला जा रहा कि जब किसी चालक की तार में तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन सा गतिशील कण होता है? ऑप्शन ए में दिया परमाणु, बी में दिया आयन, सी में दिया प्रोटॉन, और डी में दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे जब विद्युत तार में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, गतिशील जो कण होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नौ नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 विभांतर तथा 100 वाट की अंकित है, इससे 110 वोल्ट से प्रचलित करता, तो इसके द्वारा युक्त शक्ति पावर आपको इसमें बोला जा रहा है कि शक्ति जो होगा वह कितनी होगी? तो नौ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी में जो होती है वह दृष्ट धारा होती है, यानी डायरेक्ट धारा होती है, आपको डायरेक्ट करंट प्रवाहित होता है बैटरी में। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किसने की थे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो विद्युत चुंबक प्रेरण का जो खोज किया गया था वह किया गया था
फ्राइडे के द्वारा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में दिया विद्युत धारा की उष्मीय प्रभाव पर, बी में दिया प्रेरित विद्युत धारा पर, सी में दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और डी में दिया गया प्रेरित चुंबक पर। तो जो 12 नंबर की जो विद्युत जनित्र जो काम करता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, और 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नवीनकरणीय स्रोत है। इसमें ऑप्शन ए में देगा नाभिकीय ऊर्जा, बी में देगा सौर ऊर्जा, और सी में देगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, और डी में देगा प्राकृतिक गैस ऊर्जा। तो नवीनकरणीय ऊर्जा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, बोला जाए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, उसमें पूछा गया नवीनकरणीय पूछा गया, इसमें पूछा जा रहा है कि अनवीकरणीय का स्रोत कौन सा है। जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय आपका बिल्कुल 14 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, और 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक उत्तम ईंधन है, उत्तम ईंधन यानी अच्छा ईंधन कौन सा होगा, कोयला होगा या लकड़ी होगा, पेट्रोलियम होगा या जैव गैस होगा। तो उच्चतम ईंधन जो आपका हो जाएगा, उत्तम ईंधन हो जाएगा आपको जैव गैस, क्योंकि जैव गैस से पोल्यूशन कम होगा, और लकड़ी से कोयला से भी आपको, जैसा कि कोयला को भी जलाया जाएगा तो इसमें पोल्यूशन यानी धुआं निकलेगा, लकड़ी से भी निकलेगा, और पेट्रोलियम गैस उतना अच्छा नहीं है, जितना गैस जो होगा सबसे बेटर होगा उच्चतम ईंधन के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा गैस स्रावित होता है, यानी जेडेन जस्ता पदा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होगा गैस का जो रिसाव होगा हाइड्रोजन गैस का रिसाव होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक को निर्माण करती है, तो यह यौगिक जल से विलेय यह तत्व हो सकता है, यानी कौन सा तत्व जो होगा विलेय के रूप में हो जाएगा। तो आपको जो विलेय के रूप में आपको होगा जो हो जाएगा कैल्शियम। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तो 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है, यानी जो आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया, समीकरण इक्वेशन दे दिया गया, और उसमें पूछा जा रहा है कि अपघटन अभिक्रिया कौन है। तो अपघटन अभिक्रिया इसमें जो है, जो इसमें सी वाले जो ऑप्शन दिया गया, इसमें अपघटन अभिक्रिया संपादित हो रही है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, और 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा लवण है। इसमें आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, K2SO4 दिया गया, और NH4 हाइड्रोक्साइड दिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लवण पूछा जा रहा है कि इनमें से लवण कौन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, K2SO4 आपका हो जाएगा लवण। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर में बोला जा रहा है किस लाल तपत आयरन में जल वाष्प को प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, यानी लाल तप में आयरन को जो जल वाष्प को प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि यौगिक कौन सा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है FeO, ऑप्शन बी में दिया गया Fe2O3, और सी में दिया Fe3O4, और डी में दिया FeS। तो आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो Fe3O4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में pH किस पार्श्व के बीच में कार्य करती है। तो pH पार्श्व जो हमारे शरीर में काम करता है वह 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि शुद्ध सोना को वक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना को कितने कैरेट से आपको वक्त किया जाता है, यानी दिखाया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, और 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया ब्रोमीन, बी में दिया पारा, और सी में दिया तांबा, और डी में दिया एल्युमिनियम। तो जैसा कि आप लोग को मालूम हो, तांबा जो है जो द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है, और ये दो धातु है, एल्युमिनियम जो भी है वह धातु है, और इसमें धातु के बात में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी में जो ए ऑप्शन होगा, ब्रोमियम जो है वह अधातु होते हुए कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
अगर इसी क्वेश्चन को आपको पूछ दिया जाए कि धातु होते हुए भी द्रवावस्था पर पाए जाने वाले कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, तो धातु जो है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है वह पारा होता है। लेकिन इसमें अधातु पूछा गया तो जो ब्रोमियम हो जाएगा, इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शीशा और टीन का कि मिश्र धातु को कहते हैं, शीशा और टीन को जो मिश्र धातु होता है उसे हम सोल्डर कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। इंथाइल अल्कोहल को जो अनुसूत्र इसमें पूछा गया, जो इंथाइल अल्कोहल का जो अनुसूत्र होता है C2H5OH होता है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन इसमें हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, C2SO4 हो जाएगा, एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के तीन अपबंध होते हैं, यानी अबंध हाइड्रोकार्बन के तीन अपबंध किसका होता है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा C3H4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला कि आवार सारणी के उदाग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, यानी उदाग्र जो स्तंभ होता है उदाग्र इसे कहा जाता है और क्षैतिज इसे कहा जाता है, तो उदाग्र जो रेखा होता है उसे वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज को जो होगा आवर्त कहा जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्गों की संख्या 18 होती है, आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहता है, कहा जाता है अम्लीय धातु कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है या मिश्र धातु कहा जाता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व होता है, यानी शून्य समूह का तत्व किसे कहा जाता है, तो ये बहुत ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हीलियम होता है उसे शून्य समूह का सारणी कहा जाता है क्योंकि यह अक्रिय होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है, यानी हमारे जो शरीर में अनावश्यक पदार्थ होते हैं वैसे पदार्थ को बाहर निकालने के लिए तंत्र को क्या कहा जाता है, किस तंत्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में दिया पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसरण तंत्र और डी में दिया उत्सर्जन तंत्र। तो जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे बायोलॉजी तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑप्शन आपका जो उत्सर्जन तंत्र होता है हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ को निकालने वाली काम जो करता है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कृत्रिम वृक्ष नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, तो जो रुधिर द्वारा निकाला जाता है ऑप्शन ए में दिया पूर्णा शोषण, बी में दिया गया है निषायंद और सी में दिया आस्तर और डी में दिया आप वो, तो जो हमारे कृत्रिम नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ को रुधिर द्वारा निकाला जाता है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अपवोहन के द्वारा निकाला जाता है, अपवोहन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गवाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी गवाइटर अथवा घेंघा को जो बीमारी होती है किसकी कमी से होती है, ये भी बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो होता है घेंघा जो होता है हमारे आयोडीन की कमी से होती है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो हाइड्रा में होता है, तो ऑप्शन बी ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली होती है बहुत ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो अर्धपारगम झिल्ली होती है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 37 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया, यानी जीन शब्द को जो किसने प्रस्तुत किया था, जॉनसन ने या लेनमार्क या मेंडल में या ग्रिफिन ने,
तो जो जीन शब्द का जो प्रस्तुत किया गया था 37 नंबर क्वेश्चन का, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉनसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाली मच्छर यानी मादा एनोफिलेलस किस प्रकार की तरह के जल से उत्पन्न होता है, यानी जो मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होता है साफ जल से होता है या गंदा जल से होता है, मीठा जल से होता है या इनमें से सभी होता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होता है वह गंदे जल से उत्पन्न होता है। ये बहुत इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 39 नंबर, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हरे पौधों कहलाती है, हरे पौधों क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाती है या हर श्रृंखला कहलाती है। तो 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 40 नंबर जो हो जाएगा उत्पादक कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैं 40 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अगर अभी तक आप मॉडल सेट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट जाकर फर्स्ट वाले भी मॉडल सेट देख ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं भी प्रोवाइड करवाया हूँ। तो अब इस पर हर सब्जेक्ट का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, सभी सब्जेक्ट का इस पर तैयारी बेहतरीन ढंग से करवाई जा रही है। अंकों का आप लोग का करेक्ट ऑब्जेक्टिव हो रहा है कि इस तरह से आपका तैयारी है और कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी नहीं है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, उस सब्जेक्ट का आप लोग को विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।